आधार से मोबाइल लिंक न होने के कारण छात्र हो रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए परेशान। आज चांचौड़ा से सैकड़ों छात्र छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तारीख निकलने वाली है, लेकिन अभी तक उनके आधार कार्ड से मोबाइल लिंक न होने के कारण वह छात्रवृत्ति के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। उनका कहना है कि वह काफी समय से परेशान हो रहे हैं, साथ ही आधार केंद्र के काफी चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके आधार कार्ड से मोबाइल लिंक नहीं हो पाया है। आधार कार्ड में वो मोबाइल लिंक करवा, एक मिनट, हाँ मोबाइल नंबर लिंक करवाना है आधार कार्ड। अच्छा, तो नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा। करीबन कितने कितनी देर से खड़े हैं आप? कोई पैसे ही से तो नहीं मांगे जा रहे हैं आप? ये आधार जैसे मोबाइल अपडेट नहीं होने से आपको क्या नुकसान है? अभी छात्रवृत्ति की लास्ट डेट कब है? 10 तारीख है, यानी कि कल है, और अभी आपका अपडेशन नहीं हो पाया तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। फिर कब मिलेगी आपको? पता नहीं। ऐसे 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 कितने आप लड़के या लड़कियां इतने कितने हैं ऐसे? ये बालिकाओं के साथ में आया हूँ, इसमें बहुत सारी बालिकाएं थी, बहुत सारी बालिका मेरे साथ में आई है, तो उनका क्या है कि 9:30-10 बजे तक कूपन बढ़ जाते हैं, इसके बाद में 40 कूपन या 50 कूपन देते हैं, इसके बाद में वो कूपन बंद कर देते हैं। अब वो बीनागंज से आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 8-9 बजे तो बस वहीं से चलती है, जब तक यहाँ पे आके कूपन बढ़ जाते हैं तो बाकी लोगों को कूपन नहीं मिल पाता है, तो दो तीन दिन से ऐसे ही चक्कर काट रहे बच्चियाँ। अच्छा। और कल फीस की लास्ट डेट भी बता रहे हैं, तो वो मतलब फीस के लिए नहीं हो पाएगा उनको, मतलब जो छात्रवृत्ति मिलती है उसके लिए पंजीयन करवाना था, तो वो अपडेट नहीं हो रहा मोबाइल के चक्कर में, तो इस चक्कर में वो क्या है कि बालिकाएं काफ़ी परेशान हो, मतलब रोज आ रहे हैं आप करीब सर? दो दिन से काफ़ी आ रही बालिकाएं, वो 9:30 बजे के बाद वापस चली जाती हैं।